या तो मुझे इंसानियत को अपनाना पड़ेगा या तो फिर मुसलमान रहना पड़ेगा, और मेरे लिए इंसानियत ज्यादा ऊपर है रिलीजन से। इस वजह से फिर मैंने इस रिलीजन से बाहर निकल गया। तो इसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर दिया है कि बिना इस्लाम या सिर्फ इंसानियत, मेरा फुल लेक्चर्स का प्लेलिस्ट है, आप उसमें जाइए, उसमें मेरा एक लेक्चर है इस्लाम या सिर्फ इंसानियत, क्या हमको इस्लाम की ज़रूरत है या सिर्फ इंसानियत से हो सकता है, या क्या इस्लाम में इंसानियत की बातें भी है, जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं इस्लाम इंसानियत के खिलाफ है, तो क्या इस्लाम में इंसानियत की बातें हैं, और इंसानियत से सिर्फ क्या हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमनिज्म बोले जाता है, इंग्लिश में बोला जाता है इसको ह्यूमनिज्म, इंसानियत का धर्म ह्यूमनिज्म, जिसका मतलब अगर आप ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन पढ़िएगा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़िएगा, तो वो डिफाइन करते हैं ह्यूमनिज्म को एज अ कंसेप्ट और थॉट दैट बिलीव्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम बाय रीजन एंड नॉट बाय रिलीजन, कि एक ऐसी सोच जो ये सोचता है कि हम लोग अपने जो परेशानियों का हल कैसे करेंगे बाय रीजन, अपने दिमाग से करेंगे एंड नॉट बाय रिलीजन, और धर्म से और मजहब से ये नहीं करेंगे। ये डेफिनेशन है ऑक्सफोर्ड डेफिनेशन, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, ह्यूमनिज्म इंसानियत के धर्म का। तो मैंने उस लेक्चर में पहले बताया कि इस्लाम में इंसानियत की बातें हैं, पहला पॉइंट तो ये, इस्लाम में इंसानियत की बहुत सारी बातें हैं, कुरान आप पढ़िएगा तो आपको बहुत सारी बातें मिलेगी, आपको अपने पड़ोसी से अच्छा सलूक करना है, आपको अपने माँ बाप की खिदमत करना है, आपको भूखों को खाना खिलाना है, कई आयतें हैं भूखों को खाना खिलाने के ऊपर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी की, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा इस्लाम सबसे अच्छा, तो वो बोलते हैं कि भूखों को खाना खिलाना और उनको सलाम करना जिनको तुम जानते हो और जिनको तुम नहीं जानते हो। तो कई आयतें हैं कुरान में इंसानियत के बारे में, हाँ, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही काफ़ी, क्या सिर्फ इंसानियत ही सिखाता है इस्लाम या उससे बढ़ के भी कुछ चीज़ सिखाता है? तो उससे बढ़ के मैंने 8 पॉइंट्स दिया उस अपने लेक्चर में, इस्लाम या सिर्फ इंसानियत में आई गेव 8 पॉइंट्स, 8 डिफरेंट पॉइंट्स, 8 ऐसे पॉइंट्स जो कि इंसानियत नहीं देता और जो कि इस्लाम देता है, 8 ऐसे पॉइंट्स जो कि इंसानियत का धर्म यानी कि ह्यूमनिज्म आपको नहीं देगा और सिर्फ इस्लाम आपको देगा। नंबर 1, कंसेप्ट ऑफ गॉड, इंसानियत का धर्म आपको नहीं देता, कोई भी गॉड का तस्वर या कंसेप्ट ऑफ गॉड नहीं देता, जबकि इस्लाम आपको देता, और ये कंसेप्ट ऑफ गॉड सबसे कॉमनली समझ में आने वाला या सबसे ज़्यादा दिमाग में आने वाला चीज़ है। अगर अभी आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपके पैर के पास कोई मोबाइल पड़ा हुआ मिलेगा आपको, या कोई आईपैड या टैब पड़ा हुआ आपको मिलेगा, तो कोई आप लोगों में से कोई शख्स ये सोचता है कि क्या मोबाइल जो है वो चूहा उसमें बन गया, या बिल्ली मोबाइल बन गया, या बिल्ली टैब बन गई, क्या ऐसा कोई सोचने वाला है? कोई सोचने वाला है तो वो कमेंट कर दे यहाँ पर, लेकिन हम लोग कोई ऐसा सोचते नहीं है। क्यों ऐसा नहीं सोचते? क्योंकि ये चीज़ अपने हम लोग जानते हैं कि ये इस तरीके से नहीं बन सकता है, इसका कोई बनाने वाला होगा, इसके स्पेसिफिकेशंस यानी इसकी खासियत खसूसियात को देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि इसका कोई बनाने वाला है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं सूरह ज़ारियात सूरह नंबर 51 आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला कहते हैं वफ़ील अर्ज़ आयातुन लिलमूकिनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, कि ज़मीन में निशानियाँ हैं देखने वालों के लिए और तुम्हारे अंदर भी, तुम्हारा ये आँख 576 प्लस मेगापिक्सल का कैमरा है, तुम्हारा कान, तुम्हारे आँख, तुम्हारा दिल, दुनिया का ऐसा मोटर, अगर आप बाजार में अभी मोटर खरीदने जाते हैं इलेक्ट्रिक मोटर, तो वहाँ पर आप जाते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर को घर में लाते हैं और उसके बाद मोटर को लाने के बाद आप उसको 24 घंटे चलाते हैं और वो डैमेज हो जाता है, फिर आप दुकानदार के पास जाते हैं, वो बोलता है कि क्या किया, तो आप बोलते हैं 24 घंटे चला दिया, तो बोले आप पागल हो गए, 24 घंटे ये नहीं चलता। आपका दिल ऐसा मोटर है जो 24 घंटे जिंदगी भर काम कर रहा है, तो क्या ये अपने आप आ गया? क्या इसके पीछे कोई बनाने वाला नहीं? क्या इसका आपका कोई खालिक नहीं? तो वही कंसेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम देता है, कंसेप्ट ऑफ हियर आफ्टर आखरत का तस्वर देता जो इंसानियत का धर्म नहीं देता आपको, उसी तरीके से कंप्लीट जस्टिस देता है इस्लाम, कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, इंसानियत का धर्म नहीं देता। इस्लाम जो है वो आपको क्लियर रूल देता है, क्लियर बुक देता है, क्लियर आइडियल देता है, यानी कि इस्लाम में आपको बुक क्लियर है कि कुरान आपको फॉलो करना है, इंसानियत के धर्म में कोई बुक नहीं। कोई बोलेगा हम गांधी जी के बुक को फॉलो करेंगे, कोई बोलेगा हम तस्लीमा नसरीन की बुक को फॉलो करेंगे, कोई बोलेगा हम इसकी बुक को फॉलो करेंगे, कोई क्लियर बुक नहीं, कोई क्लियर रूल नहीं। इस्लाम में क्लियर रूल है, आपको सच बोलना है कि नहीं, तो अलहक मिन रब्बी का फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन, हक जो है वो अल्लाह की तरफ से, तो आप उसमें डाउट मत करना। शराब पीना है कि नहीं, क्लियर रूल इंसानियत के धर्म में, कोई बोलेगा हाँ थोड़ा सा पी सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं एक तो इतना भी अपने घर में पी सकते हैं, कोई बोलेगा नहीं पी सकते कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई क्लियर रूल नहीं है। इस्लाम आपको क्लियर रूल देता है, क्लियर बुक देता है, क्लियर आइडियल देता है किसको आपको फॉलो करना है। लकद काना लकुम फी रसूलिल्लाही उस्वतुन हसना, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपके लिए बेहतरीन नमूना है। इंसानियत के धर्म में कोई क्लियर नमूना नहीं, क्लियर आइडियल नहीं है। उसी तरीके से
इंसानियत के धर्म में आपको कोई भी ये नहीं मिलता कि आपको पूरे ज़िंदगी जीने का तरीका। इंसानियत क्या है? इंसानियत ये है कि अपने पड़ोसी से अच्छा सुलूक करो, अपने माँ बाप से अच्छा सुलूक करो, इंसानों से अच्छा सुलूक करो। मुझे बिजनेस कैसे करना है, मुझे शादी कैसे करनी है, मुझे लाइफ कैसे जीना है, कंप्लीट वे ऑफ लाइफ नहीं दे पाते वो लोग। इस्लाम आपको कंप्लीट वे ऑफ लाइफ देता है। इस तरीके से मैंने 8 पॉइंट्स उस लेक्चर में दिया। आप उस लेक्चर को देखें, प्लेलिस्ट है हमारा, फुल लेक्चर्स का प्लेलिस्ट है, उसमें जाइएगा। वहां पर इस्लाम या सिर्फ इंसानियत का मैंने लेक्चर दिया है, उसमें मैंने 8 पॉइंट्स गिनाए, ऐसे पॉइंट्स जो कि इंसानियत का धर्म यानी कि ह्यूमनिज्म नहीं देता लेकिन इस्लाम आपको देता है। वो आपको सिर्फ बताता है कि आपको माँ बाप से अच्छा सलूक करना है, इंसान से अच्छा सलूक करना, जो कि इस्लाम आपको बताता है, ठीक है। लेकिन इंसान इस्लाम उससे बढ़ के भी बहुत सारी चीजें बताता है, ठीक है। तो मैंने उस लेक्चर के एंड में ये भी बोला कि मान के चलिए आप इंटरव्यूअर है, आप किसी का इंटरव्यू लेते हैं, आपके सामने कैंडिडेट है, आपके सामने एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि सिर्फ इंजीनियरिंग किया हुआ, बीटेक किया हुआ, और आपके सामने एक ऐसा कैंडिडेट है जो बीटेक भी किया हुआ और उसके साथ साथ एमबीए भी किया हुआ, तो आप किसको चुनिएगा? जाहिर सी बात है कोई भी बीटेक प्लस एमबीए को चुनेगा। तो उसी तरीके से अगर आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऐसा फोन लेने का जो कि सिंगल सिम है, एक ऐसा फोन जो कि डुअल सिम लेने का है, और दोनों के सेम फीचर, सेम रेट, सब चीज सेम है, आपका पैसे आपके सेम है, कौन सा आप लीजिएगा? जाहिर सी बात है आप डुअल सिम लीजिएगा, कोई भी सिंगल सिम नहीं लेना चाहता। तो वही चीज इस्लाम आपको इंसानियत की बातें भी देता है, आपके माँ बाप से अच्छा सलूक करना है, नेबर से अच्छा सलूक करना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, मैंने पूरा उसमें यतीमों की देखभाल करना है, ये सारी चीजें बताता, प्लस आपको ऐसी चीजें बताता जो कि इंसानियत का धर्म नहीं बताता। तो जाहिर सी बात है अगर आप चुनिएगा तो किसको चुनना चाहिए आपको? उस चीज को जो कि ज्यादा फीचर देता है, ठीक है। इंसान लेकिन क्या होता है, इंसान के अंदर बहुत सारी चीजें रहती है। अल्लाह ताला फरमाते इम्मा शाकिरन औ इम्मा कफूरा, कि हो सकता है वो सही रास्ता चुने, हो सकता है गलत रास्ता चुने, लेकिन अल्लाह ताला जो अहकमुल हाकिमीन है, जो सभी हिकमत वालों से बेहतर हिकमत रखते हैं, जो कि सारे विजडम वालों से बेहतर विजडम रखते हैं, वो कहते हैं इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, कि बेशक दीन धर्म मजहब अल्लाह के नजदीक है, दीन जो है वो इस्लाम, ठीक है। सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19। इस पे डिटेल आंसर आपको चाहिए तो आप पूरा का पूरा मेरा वीडियो है इस्लाम या सिर्फ इंसानियत, उसको आप देखें, इंशाल्लाह आपको पूरा डिटेल में जवाब मिल जाएगा। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे।